मेरी दुनिया है मेरी माँ, मेरा सब कुछ है मेरी माँ, मेरा संसार है मेरी माँ। योगी आदित्यनाथ जब अपनी बीमार माँ को देखने गए तो शायद ऐसे ही जज्बात उनके रहे, अंतर मन में शायद यही बातें कह रहे हों कि माँ से बड़ा कुछ नहीं, मेरे लिए मेरी माँ सबसे बड़ी है। योगी आदित्यनाथ की माँ इस समय बीमार चल रही हैं, वो उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में एडमिट हैं। समय निकालकर किसी तरह से योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो माँ से उन्होंने मुलाकात की, और जब माँ और बेटे का मिलन हुआ तो माँ एकदम भाव विभल हो गई। माँ की ममता तो, माँ का वात्सल्य एकदम झलक पड़ा, और माँ ऐसे लग रहा था कि जैसे अपने बेटे को कहाँ संभाले, कहाँ उसे पूरी खुशी, पूरे जहान को उसके चरणों में दे दे। क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा ऊंचाइयों तक पहुंचे। हालांकि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, एक ऐसे सीएम जो सशक्त प्रशासन के नाते से जाने जाते हैं, जो कठोर निर्णय के लिए जाने जाते हैं, जिनके सामने बड़े बड़े गुंडे और मवाली थर्राते हैं, जिनके सामने बहुत बड़े बड़े बाहुबली भी आने से घबराते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। तो जिन गुंडों और मवालियों के लिए योगी आदित्यनाथ इतने कठोर और सख्त हैं, लेकिन वही माँ के लिए तो वो एकदम निर्मल और एकदम पुण्य है, माँ के लिए एकदम सहज और साधारण है। हर बेटा कितना भी ऊंचे कद पर पहुंच जाए, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन माँ के लिए वो बेटा ही बेटा होता है। और इसीलिए योगी भले ही उत्तर प्रदेश के सीएम हो, लेकिन अपनी माँ के लिए वो बहुत सहज सरल दिखाई देते हैं और एकदम वात्सल्य प्रेम में डूब जाते हैं। जब एम्स से कुछ तस्वीरें, कुछ फोटो, कुछ वीडियो आने लगी तो लोग देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, लोग देखकर भावुक भी हो रहे थे कि कैसे अपने माँ से योगी मिल रहे हैं। माँ ने तो कई बार हाथ पकड़ा योगी आदित्यनाथ का, और पकड़ते पकड़ते एक बार तो हाथ भी जोड़ लिया। ज्यों ही माँ ने हाथ जोड़ा, योगी समझ चुके थे, जान चुके थे, और तुरंत योगी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अंतर मन तो कह उठा होगा योगी का जरूर कि माँ क्या कर रही हो, माँ ऐसे क्यों कर रही हो, तुम मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हो, माँ मुझे तो तेरे पैर छूने चाहिए, माँ मेरा तुम्हारा पैर पांव जो है वो तो मेरे सिर माथे होना चाहिए, मैं एक सन्यासी हूं, संत हूं, योगी हूं, लेकिन एक माँ का बेटा भी हूं, मैं तुम्हारा लाडला हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तो इसलिए माँ तू मेरे सामने हाथ मत। दरअसल जब भी योगी अपने पौड़ी गढ़वाल गांव जब पहुंचते हैं तो तमाम ऐसे लोग हैं जो योगी के पांव छूने के लिए एकदम दौड़ पड़ते हैं, जो कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री भले ही योगी हो लेकिन एक संत सन्यासी हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो इसलिए सभी की लालसा होती है, मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सभी की लालसा होती है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर उनके गांव, उनके घर खुद चलकर आए हैं और उनका पांव छूकर आशीर्वाद लें, और इसीलिए सब दौड़ पड़ते हैं। बच्चे तो दौड़ते ही दौड़ते हैं, युवा तो दौड़ते ही दौड़ते हैं, खास बात है कि उनके गांव में उनसी उम्र के जो बड़े भी हैं, जो योगी से उम्र के बड़े हैं, वो भी दौड़ पड़ते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि योगी का पांव छूकर आशीर्वाद लें। उन्हें लगता है कि उनके गांव का एक बेटा, उनके गांव का एक पुत्र सन्यासी बना, और वो भी ऐसे वैसे मठ का नहीं, वो भी गोरक्ष पीठ का, जहां से बढ़कर एक पूज्य संत महाराज जी निकले। तो इसलिए गांव का हर व्यक्ति सोचता है कि किसी भी तरह से योगी के आशीर्वाद ले ले। उसमें बहुत ऐसे भी हैं जो योगी से उम्र के बड़े हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि पांव छूकर जरूर दंडवत करके, साष्टांग करके प्रणाम ले ही ले। ऐसे में उनकी माँ को एक बार अस्पताल में ऐसा लगा होगा, महसूस हुआ होगा जब योगी उनसे मिलने गए कि पूरा गांव तो मेरे बेटे को प्रणाम करता है, पूरा गांव तो मेरे बेटे को दंडवत और साष्टांग करता है, तो मैं भी क्यों ना एक बार प्रणाम कर लूं। और ज्यों ही योगी जी की माँ सावित्री जी एम्स में अपने बेटे को प्रणाम करने के लिए ऐसे किया, त्यों ही योगी जी का हाथ उठ गया और मन ही मन, अंतर मन से वो कह पड़े, ना माँ तू नहीं कर सकती, तू प्रणाम नहीं कर सकती, भले ही मैं सन्यासी हूं, भले ही मैं मुख्यमंत्री हूं, भले ही मेरा ओहदा बड़ा है, लेकिन माँ मैं तेरे लिए तो पुत्र ही हूं, मैं तेरे लिए बेटा हूं। और एकदम योगी जी का मन जरूर निश्चित तौर पर यह कह हुआ, ना माँ कतई नहीं, किसी भी तरह से नहीं, तेरा हाथ उठने ही नहीं चाहिए, तेरा हाथ अगर उठे भी तो उठे मेरे सिर माथे पे उठे,
और आशीर्वाद मिले। एक योगी, एक संत भले ही सब कुछ छोड़कर विरक्त की तरफ चले जाते हैं, लेकिन माँ का जो ममतत्व होता है, भाव होता है, प्रेम होता है, वो कम नहीं होता। तो जिस तरह से एम्स में योगी अपनी माँ से मिल रहे थे, अपनी माँ से तमाम बातें कर रहे थे, अपनी माँ से तमाम तरह से प्रेम भाव का वो भाव प्रदर्शित कर रहे थे, उसको देखकर पूरा देश एकदम से भावुक होता और हर किसी को ये लगा कि हाँ, पुत्र हो तो योगी जैसा, पुत्र हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, पुत्र हो तो वो अजय विष्ट जैसा, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बने और उसकी कमान संभाले, वो बेटा जो आगे चलकर एक ऐसा प्रशासक के रूप में पहचान बनाए जिससे कि बड़े बड़े गुंडे मवाली और बड़े बड़े अराजक लोग भी, अराजक तत्व भी, वो भी घबराने का काम करें। लेकिन जब वो माँ के पास पहुंचे तो एकदम से सहज और सरल और साधारण हो जाए। तो योगी जैसे अब एक सन्यासी के रूप में है, तो पूरा समाज उनका है, पूरा देश उनका है, एक बहुत बड़ा उनका परिवार है, लेकिन इस परिवार के बाद भी उनकी माँ उनके लिए सर्वोपरि है, उनकी माँ उनके लिए सब कुछ है, उनकी माँ उनकी दुनिया, उनकी जहान, उनकी खुशी सब कुछ है। योगी वही जो अपने पिता के अंतिम यात्रा में पहुंच नहीं पाते, योगी जो वही जो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अपनी माँ से मिलने के लिए जब वो अस्वस्थ रहती हैं तो अस्पताल जरूर पहुंचते हैं। आप सभी को पता होगा कोरोना के समय में योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था, तो कुछ कोरोना के गाइडलाइन के चलते योगी नहीं पहुंचे और उसके बाद करीब 2 साल बाद जो है गांव पहुंचे थे, तो गांव में उनका स्वागत सत्कार हुआ था। लेकिन माँ की ममता ऐसी है, वो खींच लाती है। जब योगी की माँ बीमार पड़ी तो व्यस्त समय से समय निकालकर योगी एम्स में पहुंचे और माँ को देखा और माँ से देखने के बाद वो बहुत सारी बातें की। भले ही 30 मिनट वो बैठे, लेकिन दुनिया जहान की माँ से बातें करके फिर उनका मन भी खुश दिखाई दे रहा था। योगी जैसे कहते हैं अंतर मन से कि मेरी माँ मेरी खुशी है, मेरी माँ मेरी दुनिया है, मेरी माँ पूरा मेरा जहान है, संसार है। तो माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता, माँ से सुंदर दुनिया में कुछ और हो नहीं सकता।